दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे G30 का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। देखिए अभी हम इसमें दिखा देते हैं, ये मेरा देखिए N5 के पहले रुका हुआ है, देखिए अब ऑप्शनल स्टॉप में। तो पहले चलाते हैं फिर दिखाते हैं आपको इसमें साइकिल टाइम कितना लगता है। ठीक है, तुरंत हो जाएगा। देखिए ये देखिए 1 मिनट 48 सेकंड लग रहा है मेरा। ठीक है, तो हम लोग जो यूज करते हैं G30 का किस लिए करते हैं कि देखिए, जैसे इसमें देखिए जो मेरा जो टूल है यहाँ से, ये देखिए जितना भी टूल है ये मेरा यहाँ आता है और वापस फिर अपना होम पोजीशन में जाता है। ठीक है, जितना भी टूल है मेरा इसमें 4 टूल चलता है, पहले टर्निंग होता है वो आएगा, फिर होम पोजीशन जाएगा, फिर दूसरा आएगा थ्रेडिंग का, फिर वो भी होता है, फिर होम पोजीशन जाता है, फिर ग्रूविंग का आता है, फिर होम जाता है, फिर ये सेंटर का आता है, फिर होम जाता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बीच में ही रोकेंगे इसको। G30 का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम लोग को होम नहीं ले जाना है। G30 का प्रयोग किया जाता है सेकेंड रिफरेंस पॉइंट बनाने के लिए। तो आज हम लोग दिखाएंगे और इसमें साइकिल टाइम को हम लोग कम करते हैं, कितना कम होता है वो भी दिखाएंगे। अभी आपको दिखा दिए 1 मिनट 48 सेकंड लग रहा है, लेकिन हम उसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा, देखिए पहले प्रोग्राम में सबसे पहले हम दिखा देते हैं, एडिट करते हैं। ये देखिए यहाँ जो हमारा G28 है ये फर्स्ट टूल है, तो यहाँ रहने देंगे, क्योंकि जब हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा होम पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा ये देखिए N1 चलने के बाद यहाँ पर देखिए इस जगह हम क्या करेंगे G30 लगा देंगे, और जहाँ जहाँ भी है ये G30 लगा देंगे। ठीक है, तो फिर हम आपको G30 सब में लगा करके फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, हम इस प्रोग्राम में नहीं छेड़ेंगे, ये देखिए 8 नंबर प्रोग्राम है मेरा, दिखा देते हैं आप लोगों को, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, 18 नंबर से कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब फिर सब इसमें G30 करके हम आपको फिर दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या किए हैं, ये देखिए फर्स्ट बताए थे N1 के यहाँ पहले G28 रहने दिए हैं, उसके बाद हम N2 के पास जाएंगे, तो देखिए ये हमारा G30 देख सकते हैं G30 है, और N2 से पहले भी देखिए ये होम नहीं जाएगा। क्या करना होगा इसको, जितना भी आपका मन है कि हम यहाँ नीचे रखेंगे उतना रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लोग को पैरामीटर में जाना होगा, सबसे पहले पैरामीटर को एनेबल करना होगा, यहाँ देखिए MDI में कर लीजिए। MDI में करने के बाद आप लोग को ये देखिए ये पैरामीटर है, इसको 1 कर लीजिए, ये देखिए 1 ये एनेबल हो गया। उसके बाद आप चले जाइए पारा सिस्टम में, पैरामीटर नंबर कितना है 1241, ये सब आप लोग को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ऑपरेटर बन गए सेटर बन गए, याद नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, हम लोग साइकिल टाइम को कम करेंगे इसमें। तो देखिए ये हमारा आप कैसे करेंगे, ये हमारा अभी 0-0 है, तो इसमें क्या करेंगे, पोजीशन में जाइए सबसे पहले और ऑल में कर दीजिए, पोजीशन में जाने और आप देखिए मशीन मेरा कहाँ है, 0 में है, तो हम इसको क्या करेंगे इधर पीछे लाएंगे, यहाँ पर कहाँ रखना है हम देख लेंगे, कितना दूर रखना है हम लोग। ठीक है, ये अंदाज से आपको, ताकि ये मेरा टूल इंडेक्स हो सके, लगभग इतना कितना हो रहा है 181, ये देखिए इतना में घूम जाएगा हम लोग को, है ना। तो मेरा कितना आ गया इधर देखिए, मशीन मेरा माइनस कितना है 219 है, और ये मेरा टूल इंडेक्स भी होगा, हम करके भी दिखा देते हैं आप लोग को, देखिए इंडेक्स भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम नंबर जो बताए थे पैरामीटर नंबर ये 1241 1241, ये जेड को हम क्या कर लेंगे -220.0, ये देखिए यहाँ, और इसको इनपुट कर देंगे। ठीक है, इनपुट होगा जब आप MDI में रहेंगे तभी होगा, तो ध्यान रखेंगे -220.0, ये देखिए आइए इनपुट कर दिए, तो ये देखिए हो गया। अब हम आपको एक तो जॉब चला के दिखाते हैं कितना मेरा साइकिल टाइम कम हुआ, पूरा जॉब चला के नहीं दिखाएंगे, लास्ट जब होगा मेरा N4 में रोकेंगे और फिर आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, चलिए जॉब को लगाते हैं, यहाँ देख लीजिए पहले, देखिए टर्निंग हो गया मेरा, ये देखिए होम नहीं जाएगा, ये देखिए होम नहीं गया, और यहीं पर मेरा इंडेक्स हो जाएगा, ये देखिए यहीं पर इंडेक्स हो के और दूसरा आ जाएगा, ये देखिए हो गया। तो इस तरह से क्या करना है कि मेरा जितना भी पीछे रखना है
रख सकते हैं, ये जॉब चल जाता है, फिर आपको दिखाते हैं कितना मेरा साइकिल टाइम कम हुआ है, ठीक है। ये देखिए अभी आप लोग N5 से पहले रोके हुए हैं, आज देखिए प्रोग्राम नंबर 18 है, इसमें क्या हो रहा है देखिए। ये मेरा जो टूल है ये यहीं पर है जहां हम लोग पीछे किए थे, देखिए आपको दिखा देना चाहते हैं। ये इसमें ऑल में जाएंगे, ऑल में देखिए ये है ना, जितना डाले थे 220 माइनस डाले आप, इसमें पैरामीटर में देखिए 220 माइनस, ये मेरा टूल यहीं पर रुके हुए रहेगा, इसी पर मेरा इंडेक्स होता है और चलता है, ठीक है। तो इसमें हम दिखाते हैं साइकिल टाइम मेरा कितना कम हो रहा है, अभी फिर साइकिल हम स्टार्ट करते हैं, देखिए और इसको दिखा देते हैं। ये आपका 1:29 हुआ है, आप देखिए कितना लगता है, देख सकते हैं हम लोग, इसमें मेरा 4 सेकंड का बचत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को बता दिए G30 का प्रयोग कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल में प्रैक्टिकल बता दिए। तो मेरा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आपको मैं आपका सामने है 1:43, जबकि पहले कितना लग रहा था, 1:48 लग रहा था, मतलब 5 सेकंड आप बचा सकते हैं इस तरह से। अगर हम दूसरा इसमें लगाएंगे जो मेरा पहले प्रोग्राम चल रहा था, देखिए 8 नंबर को, 8 को देखिए ले आए हैं, और जब हम दूसरा जॉब लगाएंगे इसमें तो देखिए वो क्या होगा कि होम पोजिशन जाएगा, दिखा देते हैं 1 सेकंड, होम पोजिशन जा करके ये इंडेक्स होगा, ये माइनस नहीं रहेगा। या अभी देखिए होम में है, ये देखिए अभी आएगा तो ये होम में जाएगा, ये देखिए यहाँ से दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए होम पोजिशन जाने वाले इंडेक्स होगा, ये देखिए है ना, ये जब तक होम नहीं जाएगा तो ये इंडेक्स नहीं होगा, ये देखिए देखिए। और पहले कितना था, ये यहाँ पर था, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं भी, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अंदाज में, ठीक है।